एमए बाइक गुरु में आपका स्वागत है। तो गाइस, मैं हूं महेश कुमार और आज हम बात करेंगे पल्सर 180 सेल्फ स्टार्ट, जिसमें किक नहीं आती, उसमें पिस्टन रिंग कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास पिस्टन है और जो एरो का निशान है वो एग्जॉस्ट साइड आएगा साइलेंसर की तरफ, और ये हमारे ऑयल रिंग है हमारे पास, तो इसमें एम बना रखा है, तो हमें एम बना के और जो इनलेट की तरफ जो कार्बोरेटर साइड हमारा पिस्टन होता है उस साइड हमें एम बनाकर डालना है, और सेंटर में 90 डिग्री के सेंटर में आप देख सकते हो ये वाला एंगल, और यहाँ पर हम इसको सेट कर देंगे एम बनाकर। ये देखिए गाइस, ये एम बन चुका है, और आपको दिखा दें, आप देख सकते हो ये 90 डिग्री पर हम इसको सेट कर देंगे। दूसरा, इसके साथ ही जो रिंग आती है इसमें दो स्पोटर रिंग आती है, आप देख सकते हो ये वाली, तो इसको हम जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये एक साइड से दबेगी इस साइड, तो जिस साइड दबती है तो फ्रेंड्स उसका हमें ध्यान रखना है कि ये किस साइड दबती है। आपको फिर से दिखा देते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, एक साइड भागती है ये रिंग, तो उसका खास ध्यान रखना, कई मैकेनिक ऐसे ही डाल देते हैं, तो फ्रेंड्स इसका हमें ध्यान रखना है, जिस साइड दबती है उस भाग को नीचे की तरफ रखकर हम इसको ऐसे सेट करेंगे। मैकेनिक भाई कई होते हैं जो इसको ऐसे ही डाल देते हैं, तो इसको ऐसे नहीं डालना चाहिए, जिस साइड दबती है उस साइड हमें नीचे की भाग रखना है ताकि ये रिंग खिसके नहीं, जब इसमें वाइब्रेशन होता है जब ये चलती है तो उसका ध्यान रखना चाहिए। अब ये इस साइड दब रही है, आप देख सकते हो, तो ये भाग हमें ऊपर की तरफ रखना है, तो फ्रेंड्स इसका हमें खास ध्यान रखना है कि जिस साइड ये दबे उसका भाग ऊपर की तरफ रखना है। आपको फिर से दिखा देते हैं, कन्फ्यूजन हो जाती है कई बार, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये पल्सर 180 160 में या जो भी बजाज की बाइक में, उसमें यही तरीका आता है, और हम इसको 45 डिग्री, तो आप देख सकते हो गाइस ये ऊपर की तरफ दब रही है, तो इसको ऊपर की तरफ रख कर हमें 45 डिग्री के एंगल पर रखना है, और ये तीनों रिंग इनलेट साइड होगी कार्बोरेटर साइड, आप देख सकते हो, एक रिंग का मुंह यहाँ पर है, आपको फिर से दिखा देते हैं, एक रिंग जो नीचे वाली है उसका मुंह यहाँ पर है, सेंटर जो ऑयल रिंग आती है वो बीच में है, और तीसरी रिंग दूसरी साइड 45 डिग्री पर है, ये आप देख सकते हो ब्लैक वाली रिंग टॉप टू लिखा हुआ है, ये नीचे आएगी पहले और ये आएगी साइलेंसर की तरफ एग्जॉस्ट साइड, और इसको भी हम 45 डिग्री पर रखेंगे सेंटर से, और इसको हम आसानी से इसको लगा देंगे। ध्यान रखना कि ये रिंग थोड़ी बैंड ना हो, जल्दी बैंड हो जाती है, तो इसका ध्यान रखना, और इसको हम आसानी से सेट कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि ये रिंग बहुत हैवी आती है, इसलिए बैंड होने का ज़्यादा दिक्कत नहीं है, और इसको हम 45 डिग्री पर एंगल पर रख देंगे। दूसरी जो टॉप वन लिखा हुआ है ये ऊपर आएगी, और टॉप टू और टॉप वन जो भी रिंग पर लिखा हुआ आता है तो वो लिखा हुआ हिस्सा होता है वो ऊपर की तरफ आएगा, जो हमारा पिस्टन का टॉप सेंटर है उसकी तरफ लिखा हुआ हिस्सा आएगा, नीचे नहीं करना है हमें, और ये हमारे सेंटर में सेट हो गई 45 डिग्री पर टॉप वन वाली। आपको फिर से दिखा देते हैं, ये इधर आएगी, दूसरी इधर आएगी 45 डिग्री पर, ये एक इधर एक इधर, और इसमें हमें जो कम ऑयल रिंग आती है वो बीच में और ये दोनों साइड में आती है, तो ऊपर वाली दो कंप्रेसर रिंग होती है जो हमारा कंप्रेस प्रेशर बनाती है, और नीचे वाली ऑयल रिंग होती है जो हमारे जो पिस्टन है उसको लूब करती है। तो गाइस, ये कंपनी फिटेड जेन्युइन तरीका है, इससे आपकी बाइक कभी स्मोक नहीं करेगी, और जो फ्रेंड्स इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लास्ट में एक फ़ोटो शेयर की है जिससे कि आपको रिंग की सेटिंग के बारे में पता चलेगा।